हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय बाबा वैद्यनाथ। प्रभात खबर के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय झारखंड बॉर्डर में हैं। आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से होकर कांवरिया बाबा वैद्यनाथ धाम प्रवेश कर रहे हैं, बाबा नगरी प्रवेश कर रहे हैं। इस जो क्षेत्र है इसका नाम दुमा कहा जाता है। ये झारखंड का बॉर्डर है। यहीं से जब कांवरिया सुल्तानगंज से जल लेकर यहाँ चलते हैं बाबा नगरी के लिए, तो 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद में इसी रास्ते से होकर बाबा नगरी पहुँचते हैं, देवघर धाम पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं लगातार कांवरियों का जत्था बाबा नगरी के लिए प्रवेश कर रहे हैं। बोलबम का आप लगातार नारा सुन रहे हैं। बोलबम। ये बोलबम का नारा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो द्वार बनाया गया है इसमें भी साफ लिखा हुआ है बाबा नगरी में आपका स्वागत है। कांवरियों की मदद के लिए, इनकी सेवा के लिए यहाँ हर तरह का व्यवस्था किया गया है, जिससे कांवरियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। पहली बार मखमली जो रास्ता है उससे होकर कांवरिया प्रवेश कर रहे हैं बाबा नगरी देवघर के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ मखमली मिट्टी जो कि गंगा से लाकर यहाँ बिछाया गया है, जिसे कांवरियों को खाली पैर चलने में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखकर ये मखमली मिट्टी लगाई गई है। तो इसमें आराम से इनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। 105 किलोमीटर चूँकि लंबी यात्रा तय करके इनको आना होता है, इसलिए इनकी सेवा को देखते हुए, इनकी भक्ति को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से ये व्यवस्था की गई है। इस पथ को मखमली पथ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है, जिसमें गंगा का जो मखमली मिट्टी है उसको लगाया गया है। तो ये झारखंड बॉर्डर है, जैसा कि आपको हम बताते चल रहे हैं कि ये क्षेत्र का नाम दुमा है और यहीं से कांवरिया बाबा नगरी के लिए प्रवेश करते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।